अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिदा वसीम और आप देख रहे हैं ओपीटीवी ग्लोबल। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री जहां आपको मिलेगा कराची। कराची में ऐसा क्या खास है जो आप देखना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं? आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आप लोगों ने कराची में सुनी तो है लेकिन देखी नहीं है, तो ये काम हम करने जा रहे हैं। तो फिर आपके लिए लेकर आया है ओपीटीवी ग्लोबल एक डिस्कवरी जिसका नाम है डिस्कवर कराची। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच ओपीटीवी ग्लोबल डिस्कवर कराची। मैं हूँ रिदा आसिम और आप देख रहे हैं इस वक्त डिस्कवर कराची विद ओपीटीवी ग्लोबल। ओपीटीवी ग्लोबल आपके लिए लेकर आया है कराची में मौजूद बहुत सारे अहले मज़ारों के मज़ार की दरगाहों की डिस्कवरी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत गायब शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। तो आइए चल के मैं आपको दिखाती हूँ अहले मज़ार की अहमियत और बरकत यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन से हम जानते हैं। तो आइए मेरे साथ। यहाँ मैं मौजूद हूँ हज़रत गायब शाह बुखारी साहब के मज़ार के बिल्कुल एन अहाते पे और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एहसास है यहाँ पे। इनके मज़ार पर आने वाले लोग यहाँ पर दिले मुराद यहाँ लेकर आ रहे हैं और अपने दिलों की मुराद पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं अहले मज़ार का जो मज़ार है काफ़ी वसी और लंबा है और मैं देख सकती हूँ कि आप भी देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी हाइट उनकी मुझे लग रही है। उनकी जो उनका कद था वो काफ़ी लंबा था, जो मज़ार से थोड़ा सा समझ आ रहा है कि काफ़ी लंबे हाइट के थे ये, काफ़ी लंबा कद था अहले मज़ार का। और आप ये भी देख सकते हैं कि मज़ार का जो चौखट है इस पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, आपके इसमें आज़म लिखे हुए हैं और बड़ा ख़ूबसूरत सा ये मज़ार है और इसके ऊंचा सा गुंबद है मज़ार का और शीशे का यहाँ पर बड़ा ख़ूबसूरत काम हुआ हुआ है। ख़ूबसूरत शिंगलियर्स फानूस यहाँ पर लगाए गए हैं, मोहब्बत करने वालों ने अपने हिसाब से इसको सजाया हुआ है और यहाँ पर बरसों से इसकी शान और शौकत इस अहले मज़ार की शान और शौकत अपने अरूज पर है और आने वाले दिनों में आने वाले सालों में इसी तरह ही बरकरार रहेगी। फेवर से ये जो अलम मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लोग आते हैं, लोग कह रहे हैं यहाँ पर आने वाले खिदमत गुजार के लोग आते हैं यहाँ पे धागे मानते हैं, मन्नत के धागे जो कि उनकी मन्नतों से बंधे होते हैं और जब ये मन्नतें पूरी होती हैं तो शायद ये आके धागे खोलते भी होंगे। तो आप देख सकते हैं कैमरा मैन आपको दिखा रहा है यहाँ पर मन्नत के धागे बंधे हुए हैं, लोगों ने कुछ चादरें बांधी हुई हैं और लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं तो ये तरीका है कुछ लोगों का मन्नत मांगने का। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मेरे साथ एक दिया रोशन है, ये एक दिया जो है ये गौसे पाक के से मंसूब किया जाता है, ये उनका दिया है और यहाँ पे लोगों की मुरादें बीमारियाँ दूर होती हैं। ये साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इस दिया को जलाया है जिन्होंने और इनसे मैं जानती हूँ क्या राज है इस दिए के पीछे। ये है गौसे पाक का चिराग, यहाँ बीमार होते हैं जो भी होते हैं उनको शफा मिलती है यहाँ पर,
सही हो जाते हैं लोग, और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ये गौश पाक के चिराग है, उधर एक बाबा का चिराग है, आप गैब शाह बाबा का चिराग है वो, तो यहाँ जो है बड़े बड़े सही हो जाते हैं, बीमारी कोई सी भी हो शफा हो जाती है लोगों को। देख सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे लोगों का अकीदा इतना मजबूत है कि इस दिया को जलाकर और इस ग्रिल के साथ हाथ रखकर दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है, वो बीमारियों से दूर हो जाती है। फेवर्स, अहले मज़ार पे मौजूद ख़वातीन जिनके दिल का हम राज जानने चाहते हैं कि वो क्यों आई हैं यहाँ पर, तो आइए मेरे साथ एक बुज़ुर्ग खातून मौजूद हैं, और मेरे अकब में और मेरे बराबर में दोनों साइड पे ख़वातीन हैं जो कि एक बुज़ुर्ग हैं, और इनसे मैं जानती हूँ क्या है दिल में इनके और क्यों यहाँ ये आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा बताइएगा हम यहाँ पे क्यों आई हैं। हम लोग इधर जब सुकून नहीं होता, मतलब तकलीफ़ होती है, यहाँ आते हैं फिर सुकून आता है। मतलब कब से आ रही हैं यहाँ पे? हम तो बहुत सालों से आते हैं, पहले इधर रहते थे क्या माड़ी में, अभी हम तो माजर के में रहते, वहाँ से आए। वहाँ से आती, इतनी दूर से? इतनी दूर से आते हैं। क्या मोहब्बत है आपको अहले मज़ार से? मोहब्बत से हमारे पीरो मुर्शिद है, उनका ये मुर्शिद है। व्यूअर्स, मेरे साथ एक और खातून मौजूद हैं जिनसे मैं जानती हूँ, यहाँ कुरान शरीफ इनके हाथ में है, ये कुरान की तिलावत कर रही थी, मैंने इनको डिस्टर्ब किया। मैं इनसे बस ये जानना चाहती हूँ यहाँ पे क्यों आई हैं, कब से आती हैं, क्या है इनके दिल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से यहाँ पर आती है? मेरे को 4-5 दिन हो गए मैं आ रही हूँ यहाँ से। यहाँ पर 4-5 दिन से आ रही हैं, क्या महसूस किया, क्या सुना जो आई हैं यहाँ पर? ये बाबा बहुत जलाली है, बहुत हम लोग की सुनता है, बहुत हम लोग की रखता है, ये इसीलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। व्यूअर्स, आपने देखा अहले मज़ार के बारे में एक और ख़ास चीज़ पता चली, जो ये जलाली बाबा हैं और लोगों के दिलों की मुराद ये सुनते हैं और अल्लाह के हुजूर इनकी मुरादें कबूल करवाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर गुड़ वाले बाबा के साथ एक और साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, ये भी बड़े अच्छे प्यारे से बाबा मुझे लग रहे हैं, इनसे मैं जानती हूँ यहाँ पे क्यों हैं और इनका क्या काम है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी बाबा, मैं पुड़ियाँ बनाता हूँ, गुड़ जो मन्नत की आती है तो हम उनको फिर देते हैं पुड़ियाँ, यही खिदमत करते हैं उनकी, अल्लाह ताला मुरादें पूरी करते हैं। बाबा गैब शाह बाबा समझा, यहाँ बैठे रहते हैं हम लोग बाबा के साथ, जो गुड़ आता है उसको कुट के फिर पूड़ियाँ बनाते हैं, उसके बाद फिर लपेट के फिर जो निकलते हैं उनको पूड़ियाँ देते हैं। बेटा, जब जो लोग न्याज लेकर आते हैं गुड़ की न्याज, इनकी ये बाबा पूड़ियाँ बनाते हैं, और जब ये लोग यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं वापस जा रहे होते हैं तो इनको ये तोहफ़तन एक न्याज देते हैं अहले मज़ार की। व्यूअर्स, ये यहाँ पर गुड़ वाले बाबा के हाथ में एक ऐसा कुछ झाड़ने का कुछ है, मैं इनसे जानती हूँ इसके पीछे क्या राज है, ये क्यों झाड़ा जाता है? अल्लाह खुश अल्लाह दिली तुम्हारा, अल्लाह नेक तुम्हारा, अल्लाह ईमान की दौड़ बढ़ा, अल्लाह हर मुश्किल बढ़ा, अल्लाह हर परेशानी में बढ़ा, अल्लाह हर बीमार महफूज बढ़ा। व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं गुड़ वाले बाबा कहलाते हैं इस मज़ार के अहाते में, ये गुड़ वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, तो आइए मैं इनसे बात करवाती हूँ, इनसे जानती हूँ ये क्या मामला है, ये राज क्या है इसके पीछे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम बड़ा बाबा, ये बताइएगा ये गुड़ वाले बाबा क्यों मशहूर हैं आप यहाँ पे? बाबा इसको पसंद है, बाबा गुड़, बाबा को ये खाने में पसंद था। पसंद बाबा। और बताइए इनके बारे में, बाबा के बारे में कुछ खास बताइए। खास तो बेटा बहुत सुनी है मैंने बातें, देखा नहीं है कुछ भी बेटा ना, मज़ार मज़ा तरबत हिलती थी बेटा, इसकी जो बाबा की तरबत थी, ये बाबा की तरबत के पास रेल पट्टी डालते थे, इधर निकाल के बाबा फेंक देता था, ये सुना है बेटा, देखा नहीं है मैंने, इधर ही रहता हूँ मैं। यहाँ रहते हुए आपको क्या खास नज़र आया? मुझे तो बेटा हर चीज़ खास नज़र आती है बेटा। क्या दिल कहता है आपका है? आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि बस सारी ज़िंदगी इधर ही गुजारूँ बेटा। यानी आपको मोहब्बत है अपनी गायब शाह बुखारी साहब से, माशाल्लाह से। आप ये बताइएगा कि कितने लोग आते हैं और ये गुड़ आपके पास कहाँ से आता है? ये गुड़ बाहर से आता है बेटा, बाहर ज़ायरीन लेके आते हैं। ये ख़त्म कैसे हुआ? ये तो ख़त्म हो जाता है फिर भर जाता है थाल बेटा। जो भी आता है आपको गुड़ न्याज के तौर पे देता है नज़र न्याज के लिए। व्यूअर्स, आपने देखा ये गुड़ वाले बाबा यहाँ मौजूद हैं, बहुत सालों से यहाँ पर खिदमत पे हैं, और इस गुड़ वाले बाबा मशहूर है, और ये कहते हैं कि यहाँ पे पीर गायब शाह से इनको दिली लगाव है, और ये इनका दिल ये चाहता है कि ये यहीं रहें और कहीं ना जाएं, मीन्स कि इनके दिल का सुकून इनको यहाँ मैसर है, तो यहाँ से ये जाना नहीं चाहते। हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह, इकबार मदीने में
वक्त अहले मज़ार पे मौजूद हैं एक आसिफ साहब। इनका जो यहाँ पे काम है वो ये है, यहाँ पर ये हिफाजती इंतज़ाम पे मामूर हैं। तो इनसे जानते हैं ये क्या और कैसे हिफाजत करते हैं इस अहले मज़ार की। तो आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब ये बताइएगा आप यहाँ पे कब से हैं और क्या क्या किस तरह हिफाजत कर रहे हो? 2019 से यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। मैं सिर्फ चेकिंग पे होता हूँ, जैसे कोई सामान वगैरह आया उसकी चेकिंग करना, या कोई मशकूक अफराद आए तो उसकी चेकिंग वगैरह करना, बाकी कोई माहौल में कोई बद फैली हो रही हो तो उसको दुरुस्त कराना। अच्छा आप ठीक है, आप चेकिंग पे मामूर हैं यहाँ पर। यहाँ मुझे बताइएगा अहले मज़ार के बारे में क्या जानते हैं? मज़ार के बारे में तो सदियों से मज़ार चला आ रहा है। आपका दिल क्या कहता है? हम तो मज़ारों के मानने वाले हैं, मेरे वालिद साहब भी और दादा भी, हम लोग सब मज़ार के खिदमत गुजार हैं। अच्छा तो आप अहले मज़ार के बारे में कुछ ख़ास जानते हैं जो आप बताना चाहेंगे? बहन यहाँ पर एक मैंने करिश्मा सुना था कि एक लेडीज़ थी जिनकी आंखों की बिनाई नहीं थी, उन्होंने 7 जुमराते यहाँ करी, माशाल्लाह से उनकी आंखों की रोशनी आ गई थी। यानी व्यूअर्स आपने देखा अहले मज़ार की करामात और बरकात की वजह से यहाँ पे जो माजूर आंखों से थी खातून, 8 जुमराते उन्होंने यहाँ पे मुसलसल आना किया, यहाँ पर हाज़िरी दी और आखिरी जुमरात को उनकी आँखें अल्लाह ताला ने उनको लौटा दी। सुभान अल्लाह। और भी बेशुमार वो हैं करामात जिसके बारे में हमारे बुजुर्गान ने दीन जानते हैं, जो यहाँ पे पहले से ड्यूटी सर अंजाम कर रहे हैं। आप अकेले यहाँ पे ड्यूटी पे हो या और आपके साथ और हैं? सर्चर होते हैं, मैं होता हूँ और एक लेडीज भी होती हैं। अच्छा यहाँ पे 2 सर्चर हैं, मींस यहाँ पे हिफाजती इकदामात के लिए चेकिंग पर मामूर हैं ये साहब, और इनके साथ एक खातून भी है जो इनको हेल्प करती हैं। खवातीन के अहाते पे ये चेकिंग कर रहे होते हैं, इन पे ऐसी चीज़ों पे नज़र रखी होती है जो मशकूक होती हैं, उन चीज़ों पे नज़र रखते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है जो बाज़ार पे कुछ दहशतगर्दी का खदशा हो या कोई नुकसान पहुँचा सके, तो इनकी हिफाजत पर ये मामूर हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आसिफ साहब। व्यूअर्स यहाँ पे चेकिंग पे मामूर खातून हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे जानती हूँ यहाँ पे ये क्या खदमात अंजाम देती हैं, क्या ऐसा है जो यहाँ पे वो आई हैं और इनके दिल की क्या मुराद थी या वो क्या महसूस करती हैं यहाँ पे आने की, और इनसे मैं जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैया बीबी ये बताइएगा कब से हैं यहाँ पर? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल से आप इस खिदमत पर मामूर हैं, क्या आपने ऐसा देखा यहाँ पर? माशाल्लाह यहाँ हर मुराद पूरी होती है, जो भी आते हैं खाली हाथ नहीं जाते। कैंसर कुछ मांगा? मैंने बस मेरी तो सारी मुरादें पूरी हैं माशाल्लाह, खिदमत करते हैं, बेलोस बशारत दी हुई है इन्होंने, यहाँ बिठाया हुआ है हमें, काम कर रहे हैं। और बाकी ये हैं कि कैंसर का मरीज़ मैंने देखे हैं माशाल्लाह सही होते हुए यहाँ पर, और ये जो छाती का कैंसर चल रहा है, इस तरह की भी लेडीज़ आती हैं यहाँ पर, तेल लगाती हैं, तेल भी लगा के रात में मिला के लगाती हैं, माशाल्लाह सही हो जाते हैं। और लंगर मैं जाना चाह रही हूँ, ये दिया जो है प्लीज दिए का यहाँ से इधर थोड़ा सा साइड पे दिखा देते हैं हम नाज़रीन को, ये आप देख सकते हैं कैमरामैन आपको करीब से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे दिए रोशन हैं और इन दियों के पीछे मुरादें हैं कुछ लोगों की, जो ये चाहते हैं कि यहाँ उनकी जो दिए रोशन है इसी तरह उनकी मुरादें भी रोशन हो जाएँ और पूरी हो जाएँ। यहाँ मज़ार के अहाते में एक बाबा मुझे नज़र आए हैं जो थोड़े से परेशान मुझे लगे, तो मैंने सोचा मैं इनसे भी जानती हूँ क्या ऐसा मसला है, क्या ऐसी मुराद है जो अहले मज़ार के सदक़े में ये अल्लाह से मांगने आए हैं। तो आइए मैं इनसे जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। तो मेरी तो मुराद ऐसी है कि बहुत ख़तरनाक है, मेरे ऊपर जिन्नात हैं, 4-5 साल हो गए मेरे को छोड़ते नहीं है, मैं कोई काम धंधे के काबिल नहीं, छोड़ते हैं मेरे को। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास जन्नात है बाबा? हम ये जन्नात मेरे को ईरान से पकड़े हुए हैं, अब ये छोड़ते नहीं हैं, 4-5 साल हम बाबा के पास आ रहे हूँ कि बाबा मेरे को आज़ाद कर दे, तो इंशाल्लाह आज़ाद हो ही जाएगा इंशाल्लाह। वीवर्स यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे जो बहुत परेशान हाल हैं, जो बाबा के पास आए हैं अलग से लॉ लगाते हुए इन बाबा के सदक़े में अपने दिलों की मुराद मांगने आए हैं।
एक बाबा जो यहाँ पे थे उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल लगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अपने आप को यहाँ लेकर इसलिए आया हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, कई सालों से कुछ जिन्नात इनके ऊपर आते हैं और ये उनसे निजात हासिल करना चाहते हैं। तो ये मैंने देखा। और यहाँ पे एक और साहब, एक और बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद थे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो भी अपनी औलाद की बीमारी की वजह से परेशान थे, हालात की वजह से परेशान थे, और इन बाबा गायब शाह पीर बुखारी साहब के पास आए हैं और वो ये चाहते हैं कि अहले मज़ार की सदक़े में अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी करे। इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है, जो भी यहाँ पे ज़ाहिरीन आ रहे हैं अपने दिल की मुराद लेकर आ रहे हैं, अल्लाह उन सबको पूरी करे, आमीन। व्यूअर्स, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर दुआ गो थे। हमने इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्यों आए हैं, अहले मज़ार के पास इनकी हाज़िरी का मकसद क्या है, तो आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा आप यहाँ पे क्यों आए? हम अपने फैज के लिए आए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इनके वसीले से हमारे जो मुरादें होती पूरी हो जाए। मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ, 3 ऑपरेशन उसका हो चुका है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, तो उसे गदून निकल दें फिर से, और अभी डॉक्टर कुछ ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं जो हमारी पहुँच से बाहर। लेकिन ये कि अब यहाँ अल्लाह का आसरा है। फिर आपने देखा ये बाबा जो है, बीमारी है इनके बेटे को ऐसी जिसके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं लेकिन सेहतयाब नहीं हो रहे, और इनके बजट भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि मज़ीद इलाज करवा सके। तो ये अपने दिल की मुराद अहले मज़ार के पास आए हैं लेकर, और दुआ मांगने आए हैं अल्लाह के हजूर। ये अहले मज़ार के सदक़े में अल्लाह इनको नवाज़ दें और सेहत तंदुरुस्ती दें। अल्लाह ताला, हमारी दुआ है आपके बेटे को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दें अहले मज़ार के सदक़े में, आमीन। एक और खदमतगार है इस अहले मज़ार के, जो बरसों से अपनी मोहब्बत और जज्बे का इजहार यहाँ पर मौजूदगी से करते हैं अपनी, इनके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ के आने वाले ज़ायरीन के लिए ये लोग एहतमाम करते हैं और यहाँ लंगर का एहतमाम होता है, उसको मुनज़्ज़म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए मैं इनसे जानती हूँ कि यहाँ ये कब से हैं, इनका नाम जानती हूँ और इनके दिल में क्या एहसास हैं, महसूस हैं अहले मज़ार के लिए, ये हम जानते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई अपने नाम बताइए। मोहम्मद अयूब खान। कब से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 12-14 साल हो गए मुझे यहाँ खिदमत करते हुए, और यहाँ औकाफ़ की तरफ से हूँ मैं, और यहाँ ड्यूटी देता हूँ, सफाई वफाई का ये वो सब ख्याल रखता हूँ, समझे आप, पोछे का, झाड़ू का, बाबा की जो है करामत है वो सब काम करता हूँ मैं। लंगर कहाँ से आ जाते हैं, कौन देते हैं? ज़ाहिरीन लाते हैं, वो लंगर यहाँ करते हैं, समझे बांटते हैं, उनकी मन्नतें होती हैं वो लंगर करते हैं। खवातीन कितनी कितनी आ जाती हैं यहाँ पे रोज़ाना? आती हैं मैं अगर 100-150 जुमेरात और इतवार को। जब यहाँ पे जो होता है उर्स मुबारक, तो कितने दिन पर मुश्तमिल होता है? होता है 8 दिन का। 8 दिन में कितने ज़ायरीन आ जाते हैं? मेरा ख्याल से कभी दिन में तो जो है 50-100 आ जाते हैं, और बाकी रात में जो है ना वो ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, 200-250 हो जाते हैं, क्यों रात को लोगों की छुट्टी होती है ना, तो फिर रात को आते हैं। और क्या कहना चाहेंगे अहले मज़ार के लिए, कुछ दिल में जज्बात बताइए। लोगों के फैज़ होते हैं, बाबा के पास आते हैं, करामतें होती हैं उनकी, मन्नतें करते हैं, झाड़ू चाना में चादर चढ़ाते हैं या बाबा पे, समझे, और अपने चले जाते हैं, धागा बांधते हैं, उनकी मन्नत हो जाती है, मुराद हो जाती है, लंगर भी करते हैं वो, समझे, गुड़ में शफाए, गुड़ बाबा का ले जाते हैं, उसमें शफाए खाते हैं, समझे, बड़े बड़े जो है लोग सही हो जाते हैं, हाजिरी वाले आते हैं, मंदिर आते हैं मज़ार में, सही हो जाते हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ अब्दुल रशीद साहब भी यहाँ पे अहले मज़ार के करीबी अहाते में मौजूद हैं, इनसे मैं जानती हूँ ये कब से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ खिदमतगार हैं, तो क्या देखा इन्होंने अहले मज़ार के लिए, क्या जानते हैं, दिल में क्या महसूस करते हैं अहले मज़ार के लिए, ये मैं इनसे जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा आप यहाँ कब से हैं? मेरी पैदाइशी क्यामारी की है, और मैं को यहाँ पर 22 साल हो गए खिदमत करते हुए, कोई एक औकाफ की तरफ से नहीं, समझे, अपनी तरफ से खिदमत करता हूँ। इससे पहले मैं अब ढाकलेपुर बोर्ड में था, मजदूर था, समझे, जब से मैं ढाकलेपुर बोर्ड से रिटायर होया हूँ उसके बाद में यहाँ पर मजार पे खिदमत करके आया। ये बताइएगा कि आप क्या महसूस करते हैं बाबा के लिए, क्या करामाते हैं इनकी? बाबा की करामतें बहुत सी है, अभी तो क्या मालूम क्या आपको बताऊँ। ये रेल पटरी थी, यहाँ से बाबा के ऊपर से जा रही थी,
ये रेल पेटी को बाबा ने ब्रिटिश के ज़माने के जब आते थे रेल पेटी लगाते थे सुबह रात को लगा देते थे तो सुबह निकल के फेंक देते थे, 5 बजे के टाइम पर निकल जाती थी, वो दूर फेंक देते थे, अपनी जगह साफ रखी थी। ये गुड़ का क्या मामला है, ये गुड़ वाले बाबा क्यों कहलाते हैं? बाबा गुड़ का बस किसी को ख्वाब में आया बशारत हुई थी कि ये बाबा गुड़ और ऊँट के चावल खाते थे, ऊँट का गोश्त खाते थे, इसलिए लोग यहाँ पे जो भी जायरीन आते हैं गुड़ लेकर आते हैं नजरानी के तौर पे, बिरयानी लेके आते हैं, जो नियाज जिसको पसंद आती है वो ले आते हैं। यहाँ पर उर्स कब मनाया जाता है? यहाँ पर श्रावण की 4 तारीख को। कितने लोग आते होंगे उर्स पे यहाँ पर हाजरीन जायरीन? कभी नहीं आते तो पूरे उर्स के अंदर 1.5 लाख आदमी आते हैं। 1.5 लाख आदमी व्यूअर्स, आप समझ सकते हैं कि अहमियत 10 दिन के अंदर जो उर्स मनाया जाता है, तो यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि 1.5 लाख लोग जाहिरीन यहाँ पर आते हैं, अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं और अपनी मोहब्बत और जज्बे का इजहार करते हैं। मेरे साथ राशिद हुसैन साहब मौजूद हैं जो यहाँ मज़ार के खिदमतगार हैं, इनसे हम जानते हैं मज़ार की अहमियत और बरकत, यहाँ ये कब से हैं ये भी ये बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप बताइएगा यहाँ पे कब से हैं और अहले मज़ार की खिदमत में कब से मामूर हैं, अब क्या देखा आपने, क्या समझा यहाँ पर? मुझे 15 साल हो गए यहाँ खिदमत करते हैं बाबा की, तो मैंने तो यहाँ बहुत तजलियाँ इनकी देखी है कि ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर गुड़ चढ़ाते हैं, बाबा के यहाँ पर रसोली वाले होते हैं बेचारे, उनको रसोली होती है ऑपरेशन के लिए, वो तो यहाँ पर उनकी रसोलियाँ सही जाती है, जिनकी औलाद नहीं होती है यहाँ पर आते हैं, झूला लगा हुआ है बाबा का यहाँ पर, उसमें फूल वगैरह डालते हैं तो उनके घर में फूल आ जाता है, इस तरह की इनकी बहुत सारी तजलियाँ बाबा की। तो अच्छा ये बताइए इनको गायब शाह क्यों कहा जाता है? इसलिए आपने पर्दा कर लिया था इसलिए इन्हें गायब शाह कहा जाता है। मतलब इंतकाल नहीं हुआ था लेकिन ये पर्दा फरमा गए थे दुनिया से। ओके, और आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ पे, ऐसा ख़ास क्या है जो आपने इतने 15 सालों में देखा? 15 सालों में यही देखा है बस, लोगों की मुरादें पूरी हुई है, हमारी खुद की मुरादें यहाँ पर पूरी हुई है, मुझे भी अल्लाह का शुक्र इन्होंने नवाजा हुआ है, जब मैं खिदमत करता हूँ, मेरी तो बाहर दुकान है जैक्सन मार्केट के अंदर, तो बस मैं खिदमत करता हूँ इनकी, बाहर लड़के मेरी दुकान चलाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे कब में एक खूबसूरत सी नजरानी की शॉप है, यहाँ पे लोग आते हैं मन्नत मुरादें मांगने के लिए और यहाँ पे लेके जाते हैं मज़ार के लिए फूल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेंदा है, यहाँ पे मज़ार के लिए चादर है, यहाँ आप देख सकते हैं छोटे मन्नत मुरादों के झूले हैं, आप देख सकते हैं गुड़ वाले बाबा ये मशहूर हैं, यहाँ से लोग लेते हैं गुड़ और नजराने के तौर पर यहाँ अंदर मज़ार को अहले नज़र करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगरबत्तियाँ भी हैं और बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर एहसास हो रहा है, बड़ी प्यारी सी भीनी खुशबू आ रही है इन फूलों से, और ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग आने वाले अपनी मोहब्बत और जज्बे का इजहार कैसे कर सकते हैं। व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं मज़ार के बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत सारी खूबसूरत शॉप्स हैं, कुछ नजराने की शॉप्स हैं, नज़र न्याज की जाती है वहाँ से, कुछ यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड कुछ चूड़ियाँ हैं, कुछ डोरियाँ हैं, बहुत खूबसूरत सी एक अच्छी सी शॉप है जहाँ पर तोगरे भी हैं और मोर के पर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ हार हैं, कुछ मतलब बहुत अच्छी खूबसूरत सी चीज़ें हैं, डोरियाँ हैं, मन्नत की डोरियाँ भी हैं यहाँ पर, और लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके ऊपर हाजिरी होती है और वो ये चाहते हैं कि जन्नात उनका पीछा छोड़ दें, और बाबा के वसीले से ऐसे लोगों को निजात मिलती है जन्नात से भी, और मैंने यहाँ पे देखा कुछ खवातीन अपने बच्चों को लेकर आई हैं, कुछ बीमारियाँ हैं जिनसे दूरी के लिए वो यहाँ पर आई हैं कि किसी तरह अहले मज़ार की बरकत की वजह से ये बीमारियाँ इनसे दूर हो जाए।
तो व्यूअर्स, आपको मेरी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप अहले मज़ार की डॉक्यूमेंट्री और अहले मज़ार के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखते रहिएगा OPTV ग्लोबल। Justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.